गाइस वेलकम बैक टू एंड हैप्पीनेस सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ फिर से इंस्पायर्ड मेकअप लुक ये है जैकलिन फर्नांडस का जो न्यू सॉन्ग आया है पानी पानी विथ बादशाह आई थॉट ऑफ री क्रिएटिंग दैट लुक सो सबसे पहले यहाँ पे हम प्राइमर का इस्तेमाल कर रहे हैं बेस तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन का पोर इरेजर काफ़ी अच्छा प्राइमर है इट्स वन ऑफ़ माई फेवरेट देन जैकलिन की आईज ऑब्वियसली इसमें हाईलाइटेड हैं पिक्चर आपने देखी ली होगी अभी तक तो सबने सॉन्ग देख लिया होगा इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग वेरी कैची नंबर तो हम सबसे पहले आइज कर रहे हैं आइज़ को थोड़ा सा कंसील किया है मैंने मेबलिन की कंसीलर से देन मैंने यहाँ पर मेबलिन कॉलोसल काजल उठाया है एंड आई एम जस्ट रनिंग अ थिक लाइनर आप बहुत नीट नहीं भी होंगे तो चलेगा बिकॉज एनी वे हम इसको स्मच करने वाले हैं जैकलिन की आईज़ इट ब्यूटीफुल हैं थोड़ी बड़ी आईज़ हैं तो उसके साथ उन्होंने उसको और ज़्यादा हाईलाइट किया है थिक काजल के साथ आई वोट से इट एज़ अ स्मोकी आई बट थिक काजल बैंड किया है उन्होंने सो so, मैं यहाँ पे ये स्मच uh, कर रही हूँ इसको डोंट वरी ये मैं स्मच थोड़ा सा हल्के हाथ से ही कर रही हूँ लेकिन वो आउटर एरिया में निकल रहा है एनी anyway, वे हम उसको क्लीन कर लेंगे बाद में तो आज मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाली हूँ एक आई शेटो पैलेट ये काफ़ी पुराना पैलेट है मे का न्यूड्स पहले बहुत चलता था बट आज भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका जो ब्राउन शेड है ये बहुत ही प्यारा ट्रांजिशन शेड है मैं पूरे इस पैलेट में मुझे एक वो शेड बहुत ज़्यादा पसंद है तो इमीजिएटली ये ट्रांजिशन पे आई को बहुत अच्छे से लेके जाता है आप देख सकते हैं कि वो एक आ, मर्जिंग बहुत अच्छी सी हो रही है काजल और उस ब्राउन शेड की देन आई एम टेकिंग दिस नाइका का पेन uh, पेन uh, वाला लाइनर आप चाहें तो आप जेल लाइनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे पास ये है तो आई एम कम्फर्टेबल विद दिस वो बेस रेडी होने के बाद फिर उसके बाद मैं अच्छा एक थिक लाइनर बना रही हूँ अपनी आई पे एंड उसके बाद फिर वापस अपने मेबलिन के काजल से एक नॉर्मल काजल लगा रही हूँ अभी मैं सिर्फ एक स्ट्रोक दे रही हूँ क्योंकि अभी मैंने बेस नहीं किया है अंडर अंडराइज नहीं की हैं तो बाद में हम फिर से उसको रिपीट कर सकते हैं काजल का इस्तेमाल आप कोई भी कर सकते हैं मेक श्योर sure कि थोड़ा सा जेड ब्लैक हो क्योंकि थोड़ा लुक वैसा है आप पिक्चर में भी देखेंगे जैकलिन की आईज़ में पॉप हो रहा है बिल्कुल काजल मतलब वो एकदम तो ऐसा लग रहा है कि हाँ जेड ब्लैक कलर का काजल है तो यहाँ पे मैं आगे फॉल्सीज़ यूज़ करूँगी फॉल्सीज़ मैंने आई थिंक बहुत ही एक सस्ती फॉल्सीज यूज़ की बट उसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी मस्कारा मैंने मेबलिन का ही यूज़ किया है इतना ज़्यादा मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है मस्कारा वो वाला तो इसलिए मैंने यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे एनी वे फॉलसीज लगानी थी आ, अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सब क्लीन कर रही हूँ थोड़ा सा ये अगर आप इजी हैंड से करते हैं ना तो आप कई बार आउट ऑफ योर आई एरिया चले जाते हैं तो क्लीन करना इम्पोर्टेंट होता है ना जब भी आप कभी हैवी आई करें तो आपके अंडर आईज़ बहुत अच्छे से कंसील होने चाहिए नहीं तो वो बहुत ही उल्टा इफेक्ट आ जाता है वो फिर आप बिल्कुल ऐसा लगता है पांडा यूज हो जाती है वो तो मैं यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर का इस्तेमाल करी हूँ ये एल ए गर्ल का है मतलब तो एक ही है मेरे पास तो ऑरेंज करेक्टर वैसे भी इतना नहीं लगता है बहुत टाइनी अमाउंट लगता है आपको तो वो ही यूज़ करती हूँ मैं हमेशा देन आज मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ कि बेस में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा हैवी फाउंडेशन की लेने की ज़रूरत है मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है लैक्मे की सीसी -सी क्रीम मेरा शेड है ब्रॉन्स एक सीसी क्रीम से भी एक अब बहुत अच्छा खूबसूरत बेस बना सकते हैं उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर मैं अगेन अब ले रही हूँ फाइनली कंसीलर जो मैंने पहले इस्तेमाल किया था वही वाला फिर से एंड अच्छे से फिर उसको मैं अब ब्लेंड करूँगी अपने स्किन में आज मैं ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल ना करते हुए ये मेरे पास ब्रशेज़ हैं उनका यूज़ कर रही हूँ ये भी काफ़ी अच्छे हैं अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है स्पॉन्ज या ब्यूटी ब्लेंडर से तो आप ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें अमेज़ॉन से लिए थे मैंने मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे इनका लिंक मिल जाए तो मैं वो डाल दूँगी नाउ अब जब इतना क्रीम प्रोडक्ट यूज़ किया है तो आई वॉन्ट टू सेट एवरीथिंग तो सेट करने के लिए मैं जो मेरा फेवरेट है मैक का स्टूडियो uh, फिक्स वो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा है वो मतलब एक, कह सकते हैं एक ऑलमोस्ट फाउंडेशन का काम कर देता है नाउ अब हमारा बेस एकदम तैयार हो गया है तो अब हम बिल्कुल भी अब छिड़कानी नहीं करेंगे अपने फेस पे तो इसलिए फाइनली लेयर अप मैं कर रही हूँ काजल की और इस बार जो मैं कर रही हूँ तो थोड़ा एक मोटा काजल दे रही हूँ यू कैन सी मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ भी जा रही हूँ एंड उसके बाद सेम ब्राउन शेड उसी आई शेडो पैलेट से मैं उस काजल को थोड़ा स्मच कर रही हूँ जैकलिन के लिप्स मुझे थोड़े न्यूड के साथ एक मोवी टच लगा पिंकी मोवी टच तो मेरे पास एक ये शेड था लैकमे का और चिड डस्ट नाइन टू फाइव रेंज का बहुत ही प्यारा शेड है गाइज़ अगर आपको ऑफिस वेयर के लिए चाहिए वैसे भी चाहिए आप कैसा भी मेकअप करें उसके साथ ये जाता है बहुत अच्छा है एंड मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैं इसी को ही एज अ ब्रश यूज़ कर रही हूँ ऐसा करने से आपकी एक तो लिपस्टिक टोन डाउन हो जाती है मैट भी हो जाती है एंड थोड़ा सा आपको एक मोनोटोन uh, टाइप का लुक मिल जाता है तो वही मैं कर रही हूँ और उसके बाद अगर आपको लगे कि आपकी लिपस्टिक ज़्यादा टोन डाउन हो गई जैसे मुझे लगा तो आप एक लेयर और लगा सकते हैं जो मैं भी देख सकते हैं आप कर रही हूँ एंड नाउ आई एम डूइंग माई हाईलाइटर और यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक ही ब्रॉन्जी टोन का हाईलाइटर ले रही हूँ बिकॉज़ उसने थोड़ा सा राजस्थान वाले एरिया में शूट किया था ये तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे ये ब्रॉन्जी ब्रॉन्जी टोन काफ़ी अच्छा लगेगा सो आई ऑलरेडी हैव फुलर आईब्रोज़ तो मुझे इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बट फिर भी आगे आगे की तरफ थोड़ा सा गैप है तो उस गैप को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अपना वेटर्न वाइल्ड का आईब्रो किट काफ़ी अच्छा है ये आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ अपनी आईब्रोज के साथ क्योंकि ऑलरेडी फुलर हैं वो तो इसलिए दैट प्रोडक्ट वर्क्स फॉर मी एंड मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रो करना था तो उसी ब्राउन शेड के साथ मैंने एक छोटे से ब्रश के साथ कंट्रोल uh, किया है आई लव डूइंग दिस मुझे ये ट्रिक मेरे लिए बहुत वर्क करता है तो आई थिंक दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड मैंने कोशिश की है ये लुक रिक्रिएट करने की अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आई सी यू गाई सुप सुन इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय